हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यश टेक्निक में। यश टेक्निक जो आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करता है। तो आज की हमारी वीडियो क्या है? आज की हमारी वीडियो है टाइप ऑफ जनरेटर की, कंपाउंड बाउंड जनरेटर के टाइप्स पर। तो कंपाउंड बाउंड जनरेटर की उस टाइप्स जानेंगे हम इसमें। मतलब पहली वीडियो हमारी टाइप्स ऑफ जनरेटर पर बनी थी, डीसी जनरेटर की टाइप पर। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा कंपाउंड बाउंड जनरेटर होता है इसके और टाइप्स होते हैं। किस बेस पर? मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर जो टाइप होते हैं वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट करिए, अपने लाइक करिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा टाइप्स ऑफ कंपाउंड बाउंड जनरेटर? तो बच्चों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा कंपाउंड बाउंड जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, हमारी दो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं। एक फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के संच में कनेक्ट करते हैं। और जिस प्रकार दोनों फील्ड वाइंडिंग के कंपाउंड होने से हमारा ये जनरेटर कैसा बन जाता है, कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड बाउंड जनरेटर मैंने वहां पर भी क्लासिफिकेशन शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट के रूप में बताया था, पर मैंने ये भी बोला था उस वीडियो में कि हमारा जो कंपाउंड बाउंड जनरेटर होता है इसका एक क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड बाउंड जनरेटर, देखिए बच्चों हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर हमारा कंपाउंड बाउंड जनरेटर बच्चों दो प्रकार का होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर, जैसे कि आप देखें डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर और क्यूम्युलेटिव कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर होता है बच्चों, ये भी दो टाइप का होता है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ऐसे ही हमारा क्यूम्युलेटिव कंपाउंड बाउंड जनरेटर होता है, वो भी हमारा शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। तो बच्चों ये सारे जो टाइप्स है ना जो मैंने अभी आपको बताए, ये हम एक एक करके डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों हम एक एक करके डीपली पढ़े इनको। तो सबसे पहले जो टाइप था हमारा वो कौन सा था? डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर में नाम में क्या आ रहा है, डिफरेंस। मतलब ये जनरेटर किसी न किसी प्रकार डिफरेंस से जुड़ा हुआ है। मतलब डिफरेंस क्या होता है? अंतर दो चीजों का। तो डिफरेंस से जुड़ा हुआ है कैसे, मतलब अब देखिए समझिए बच्चों। तो डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर एक जैसा जनरेटर होता है बच्चों, क्योंकि इसमें दो फील्ड वाइंडिंग होती है तो दो फील्ड वाइंडिंग के दो फ्लक्स भी बनते हैं। मतलब एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो पाई एसी बनता है और शंट फील्ड वाइंडिंग का जो पाई एसएच बनता है। तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंशियल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो फ्लक्स पाई एसी बनता है, मान लो जी उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर ऐसी है, मतलब तो ऐसी जो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी उसमें जो फ्लक्स बनेगा उसकी डायरेक्शन सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के अपोजिट होगी। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जो फाई होगा जनरेटर का पूरा, फाई बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस निकलेगा। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, दोनों फील्ड फ्लक्स का क्या हो रहा है, डिफरेंस। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर। मतलब एक ऐसा जनरेटर जिसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ऐसे जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो आपको समझ में आया हो क्यों बोलते हैं हम इसको। अब देखिए बच्चों ऐसा क्यों होता है कि हमारी दोनों फ्लक्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो देखिए बच्चों ये आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है फील्ड पोल्स का, फील्ड पोल का डायग्राम जिस पर ये पार्ट उसका पोल कोर कहलाता है, ये उसका पोल फील्ड। अब पोल कोर पर क्या होती है, फील्ड बाइंडिंग लिपटी रहती है। तो बच्चों ये ऊपर वाली बाइंडिंग जो हम देख रहे हैं ये हमारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग है और ये नीचे वाली बाइंडिंग हमारी शंट फील्ड बाइंडिंग है। तो बच्चों देखिए हम कैसे, मतलब फील्ड बाइंडिंग ये फील्ड फ्लक्स है वो विपरीत डायरेक्शन की होती है। तो ये बाइंडिंग हमारी कौन सी है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग, और बच्चों ये वाली हमारी बाइंडिंग कौन सी है, शंट फील्ड बाइंडिंग। तो बच्चों सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग हमने देख ली। अब सीरीज फील्ड बाइंडिंग में बच्चों डायरेक्शन देखो कि ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग का नीचे वाला ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, और ये ऊपर वाला नेगेटिव। और वहीं शंट फील्ड बाइंडिंग का ऊपर वाला टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव। तो देखिए बच्चों दोनों में आपकी करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। मतलब जो हमारी फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए जो करंट जाती है ना, जिसको हम फील्ड करंट बोलते हैं, सीरीज में जाए तो सीरीज फील्ड करंट और शंट में जाए तो शंट फील्ड करंट। तो कैसा होता है, जो हमारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग में करंट जा रही है, मतलब जो कि आई एस सी, और
जो हमारी सेंट फील्ड वाइंडिंग करंट जा रही है मतलब ISH, ये दोनों, इन दोनों की डायरेक्शन देखिए बच्चों कैसी है, अपोजिट है एक दूसरे की। ISE देखिए यहाँ पर जा रही है और ISH आपकी बाहर की हो जा रही है, यहाँ ऐसी हो जा रही है। तो दोनों की आप डायरेक्शन देख रहे होंगे क्या है, अपोजिट। अब बच्चों आपको पता है फील्ड पोल में जो पर जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करती है जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है। जब हमारी दोनों फील्ड बाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं वो ही एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन वाली हैं तो उनके फील्ड फ्लक्स बनेंगे, वो भी तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे ना बच्चों। तो हमने क्या समझ लिया कि हमारी यहाँ पर फील्ड बाइंडिंग जो होती है दोनों सीरीज बाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, जिसके वजह से हमारा जो फील्ड फ्लक्स बनता है उसका भी उनकी भी डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिस वजह से हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स यानी कि जिसको हम फाई बोलते हैं वो बराबर होता है फाई एस एच माइनस फाई एस एच के। तो बच्चों अब हमने डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर समझ लिया क्या होता है। तो बच्चों हमने डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर के भी टाइप्स क्या देखे थे, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा देखते हैं, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो इसमें सर्किट डायग्राम देखिए बच्चों, ये जैसे कि आपको डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इसमें देखिए बच्चों ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, ये हमारा क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। लोड का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, RL। लोड में कोई करंट जा रही है ये है IL, और फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट जाएगी वो ISE, शंट फील्ड वाइंडिंग में ISH, ये हमारी आर्मेचर करंट है। जो हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या है हमारा RA, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों जब आर्मेचर करंट ये चलती है इस पॉइंट से तो इस पॉइंट पर क्या हुई, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब इस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पार्ट क्या चला गया ISH मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग में ISH के रूप में चला गया, एक पार्ट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में सीरीज करंट के रूप में चला गया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट के रूप में चला गया। तो एक पार्ट कौन सा हो गया हमारा बच्चों ISH, एक पार्ट हो गया हमारा ISE। अब देखो बच्चों क्योंकि ये डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर है तो दोनों वाइंडिंग्स में करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों ये डायरेक्शन देखिए हमारी, मतलब ये करंट की डायरेक्शन देखिए, ये मतलब ऐसी जा रही है, ऐसी घूम के ये ऐसी डायरेक्शन जा रही है, मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी है, कैसी डायरेक्शन करंट की बाहर की ओर है, ऐसी मतलब इस ओर है। और यहाँ पर देखिए बच्चों जो करंट की डायरेक्शन ये कैसी जा रही है, इस साइड जा रही है। तो मतलब दोनों डायरेक्शन कैसी है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट की और शंट फील्ड वाइंडिंग करंट की, अपोजिट है ना बच्चों। तो अपोजिट है तो इनकी फ्लक्स भी कैसे बनेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले बनेंगे। तो हमने क्या देखा कि दोनों फील्ड वाइंडिंग में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। अब क्योंकि शॉर्ट शंट हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी शंट वाइंडिंग है वो केवल हमारे आर्मेचर के सीरीज आर्मेचर के शंट में कनेक्ट है, ना कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के। इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, शंट वो डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर, मतलब एक ऐसा जनरेटर जिसमें जो हमारी शंट वाइंडिंग केवल आर्मेचर के शंट में होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नहीं, वो ऐसे जनरेटर को डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारे दोनों फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन वाला होता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इन दोनों फील्ड में जो करंट फ्लो होती है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ओके बच्चों, तो अगला जनरेटर अब हम कौन सा देखने वाले हैं, तो अगला जनरेटर देखने वाले हैं बच्चों हम डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर बच्चों स्टार्ट करने से पहले, हमने लॉन्ग शंट जब पहले टाइप्स ऑफ जनरेटर में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग हमारे आर्मेचर और हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के शंट में होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, शंट फील्ड वाइंडिंग मतलब लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। अब लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर यहाँ पर भी किसका टाइप है, यहाँ पर डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर मतलब डिफरेंशियल जनरेटर का है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है, देखिए बच्चों ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारी देखिए ये आर्मेचर की शंट में है और साथ ही हमारी सीरीज वाइंडिंग के भी शंट में है, ठीक है बच्चों। और ये करंट कौन सी है हमारी, ISE है, ये हमारी ये आर्मेचर करंट है, ये हमारी जो शंट फील्ड में जा रही है ISH है, और ये हमारी कौन सी है, लोड करंट IL है, ठीक है। और ये लोड के एक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा कौन सा है, V यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है बेटे, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं क्या हुआ, अब हमें क्योंकि ये डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर का एक टाइप है तो इस फिर इसमें क्या होना चाहिए, दोनों फील्ड में करंट की डायरेक्शन अपोजिट। देखिए बच्चों क्या है,
ये डायरेक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आईएससी की डायरेक्शन। तो ये आईएससी की डायरेक्शन देखिए बच्चों, आईएसएच की डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से एंटर हुई सेंट फील्ड बाइंडिंग में, और यहाँ से फिर आके फिर से क्या जाएगी, ये आर्मेचर में जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो सीरीज करंट, जो आपकी सीरीज करंट है, ये यहाँ से इस पार्ट से एंटर हुई, इस पार्ट से एंटर होकर आपकी यहाँ से होकर फिर से ऐसी आ जाएगी। मतलब दो की बच्चों, दोनों में करंट की डायरेक्शन कैसी हो रही है, अपोजिट हो रही है ना। मतलब दोनों की करंट की डायरेक्शन जब हमारी अपोजिट है, तो हमारी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने पर ये कौन सा जनरेटर होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर। क्योंकि हमारी संट फील्ड वाइंडिंग दोनों, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों की संट में, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल लॉन्ग संट कंपाउंड बाउंड जनरेटर बोल रहे हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट दोनों फील्ड वाइंडिंग में अपोजिट डायरेक्शन वाली है, तो इनका फील्ड फ्लक्स जो होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर बोलना चाहें तो कैसा बोलेंगे, ऐसा डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर जिसमें हमारा जो फील्ड फ्लक्स होता है वो, जो हमारे फील्ड फ्लक्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं, साथ ही इसमें जो लॉन्ग, जो संट बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर और सीरीज बाइंडिंग दोनों के संट में होती है, ठीक है बच्चों। तो ये टाइप भी हमने देख लिया है। इसके अगला टाइप बच्चों ने कौन सा देखा था, कम्युलेटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर बच्चों, यहाँ पर भी हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो कम्युलेटिव, वहां पर डिफरेंस का मतलब था, क्या कर रहे थे, दोनों फील्ड फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन वाले थे, जिससे दोनों में डिफरेंस होकर मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स हो रहा था वो हमारा कम प्राप्त हो रहा था। इस वजह से अब हमें कैसा जनरेटर चाहिए जिसमें हमारा फील्ड फ्लक्स, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमें ज़्यादा मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं कि हमारी जो दोनों फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन क्या करते हैं, सेम कर देते हैं, जिस वजह से दोनों फील्ड फ्लक्स एक दूसरे में ऐड होते हैं, तो जो हमें रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो ज़्यादा मिलता है। तो देखिए बच्चों ऐसा कैसे करते हैं, ये हमारा फील्ड पोल है, फील्ड पोल का ये पार्ट हमारा पोल कोर है और ये हमारा पोल सी है। पोल कोर पर क्या लिखती है, बाइंडिंग, संट बाइंडिंग और सीरीज बाइंडिंग, ऊपर वाली सीरीज बाइंडिंग, नीचे वाली संट बाइंडिंग। तो क्या हुआ बच्चों देखो, अब सीरीज बाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन देखना बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसके बाद संट बाइंडिंग में ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल, वाला नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बच्चों। अब इनमें देखिए करंट की डायरेक्शन देखिए, आईएससी कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, और यहाँ पर आईएसएच भी देखिए कैसी जा रही है, इस साइड जा रही है। मतलब दोनों की डायरेक्शन, आईएससी भी ऐसी जा रही है, आईएसएच भी ऐसी जा रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है बच्चों। अब दोनों की जब डायरेक्शन सेम है, तो इसके जो जो सीरीज बाइंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा, सीरीज बाइंडिंग में आईएससी की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फाईएससी, और जो संट बाइंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा फाईएसएच, दोनों डायरेक्शन कैसी होंगी, सेम होंगी। अब दोनों की डायरेक्शन बच्चों सेम है, तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो बच्चों मतलब ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, आप कहोगे जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ज़्यादा ही तो मिलेगा, तो हाँ बच्चों सही बात है, फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फाईएसएच प्लस फाईएसई। तो ऐसा जनरेटर हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है कि नहीं है, बिल्कुल उपयोगी, क्योंकि यहाँ पर हमें रिजल्टेंट फ्लक्स ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसके भी हमने टाइप्स क्या क्या देखे थे डिफरेंशियल कंपाउंड बाउंड जनरेटर के, रुक जाइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। कम्युलेटिव कंपाउंड बाउंड जनरेटर की, ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें हमारी संट फील्ड बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग दोनों में बनने वाले फील्ड फ्लक्स सेम डायरेक्शन वाले होते हैं, जिससे ये एक दूसरे में ऐड होकर रिजल्टेंट फ्लक्स को बढ़ाते हैं। मतलब या फिर ऐसा भी बोलो कि जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो दोनों फील्ड फ्लक्स के सम के इक्वल होता है। तो ऐसा जनरेटर हमारा क्या कहलाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। अब हमने कम्युलेटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर समझ लिया, तो हमने इसके टाइप क्या देखे थे, एक तो हमने देखा था कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। तो शॉर्ट शंट वाला हमने टाइप जो देखना है वो ये देखिए, इसका आपको जैसे कि सेगमेंट डायग्राम दिखाया गया है, ये आपको सारे पैरामीटर्स भी दिखाए गए हैं। तो बच्चों ये देखिए आप लोग क्या है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर, यानी कि ये आईएसएच जो है आपकी, ये देखिए ये आईएसएच जो आपकी डायरेक्शन ये आपको दिखाई गई है, ये आप सबसे पहले आर्मेचर करंट है, ये आर्मेचर करंट इस पॉइंट पर कैसी हुई, डिवाइड हो गई, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पर डिवाइड हो गई, ये कहाँ पर गई, आईएसएच पे, ठीक है बच्चों, आईएसएच में चली गई। अब बच्चों कहाँ पर गई ये, एक पार्ट कहाँ पर गया, आईएससी में। आप कहेंगे ये डायरेक्शन तो अपोजिट है सर, पर ये तो कम्युलेटिव है, डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए करंट्स की, तो बच्चों सेम ही है ये, जैसे कि करंट यहाँ से गई यहाँ पर गई फिर उसके बाद यहाँ पर लौटी, इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, इस साइड की ओर हुई, ठीक है,
और इस डायरेक्शन को देखिए ISH बाहर की ओर, तो बच्चों दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम हो गई। तो सेम हो गई तो दोनों के जो फील्ड फ्लक्स होगा उनकी डायरेक्शंस कैसी होंगी, वो भी सेम होंगी। तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स निकलेगा वो फाइव बराबर कैसे निकलेगा, फाइव एस एच प्लस फाइव एस ई। अब क्योंकि हम इसको शॉर्ट सेंट क्यों बोल रहे हैं, ये आपको रीजन पता है, जो हमारी सेंट बाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के शंट में है, ना कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग के, इस वजह से हम इसको केवल शॉर्ट शंट बोल रहे हैं। अब देखिए अगर इसकी डेफिनेशन आप बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें, ऐसा डीसी कम्युलेटिव जनरेटर जिसमें हमारी जो शंट बाइंडिंग होती है वो जनरेटर के आर्मेचर और सीरीज बाइंडिंग दोनों के शंट में नहीं होती, केवल आर्मेचर के शंट में होती है। तो ऐसे जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। ठीक है बच्चों, अब हमने ये भी देख लिया, अब हम अगला डायग्राम कौन सा, अगला मतलब टाइप कौन सा देखने वाले हैं, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर बच्चों, लॉन्ग शंट फिर से बात हुई आ गई, तो लॉन्ग शंट का मतलब क्या होता है, जब हमारी शंट बाइंडिंग हमारे जो आर्मेचर है उसके साथ साथ सीरीज फील्ड बाइंडिंग के भी संट में होगी, तो ऐसे जनरेटर को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लॉन्ग कम्युलेटिव लॉन्ग संट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। अब क्योंकि कम्युलेटिव क्यों बोल रहे हैं, देखिए इसमें दोनों में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सीरीज फील्ड बाइंडिंग और संट फील्ड बाइंडिंग में। तो देखिए बच्चों फिर से देखिए आप लोग, ये जैसे कि डायरेक्शन है, ये आर्मेचर करंट आपकी गई, आर्मेचर करंट यहाँ पर ISE में दिखी, ISE बन गई, अब ISE यहाँ पर गई। ठीक है बच्चों, ISE फिर एक पार्ट इसका किस में डिवाइड हो गया, IL में, एक डिवाइड हो गया ISH में, ये सेंट फील्ड बाइंडिंग करंट, ये टर्मिनल। अब देखिए बच्चों ISH गई तो ये ISH ऐसे होती हुई यहाँ पर वापस आ गई। अब देखिए इसकी डायरेक्शन कैसी है बच्चों, ऐसी, और ISE की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, मतलब ISE की भी डायरेक्शन ये है और आपकी जो ISH की डायरेक्शन है वो भी ये है, दोनों की डायरेक्शन कैसी हुई बच्चों, सेम हो गई। अब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो दोनों के फ्लक्स भी कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन, मतलब फाई एस एच की डायरेक्शन अगर ये है तो फाई एस ई की डायरेक्शन भी ये होगी। अब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो इनका रिजल्टेंट फ्लक्स यानी कि फाई आएगा वो बराबर किसके आएगा, फाई एस एच माइनस फाई एस ई के। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस जनरेटर की एक प्रकार से डेफिनेशन देखें, कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसा कम्युलेटिव कंपाउंड बाउंड जनरेटर जिसमें हमारी जो संट बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड बाइंडिंग दोनों के संट में होती है, कम्युलेटिव वो लॉन्ग संट कंपाउंड बाउंड जनरेटर कहलाता है, लॉन्ग संट कम्युलेटिव कंपाउंड बाउंड जनरेटर कहलाता है। तो बच्चों अब दोनों की डायरेक्शन सेम रही और इस वजह से क्या हुआ, फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन भी सेम रही, जिस वजह से फाई बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई आया। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इतनी बात समझ चुके हैं, अब आपको मतलब मैंने पूरे टाइप पढ़ा दिए, किसके बेस पर, मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर, क्या है हमारा रिवीजन टाइम। तो आइए बच्चों रिवीजन कर लेते हैं, जो सब हमने पढ़ा हुआ है तो शुरुआत से रिवीजन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर के टाइप्स क्या देखे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर, ठीक है, जो हमारे दो टाइप कौन से थे, डिफरेंशियल कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। डिफरेंशियल के भी दो टाइप देखे थे, लॉन्ग शंट और वो शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। ऐसी कम्युलेटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर के भी दो टाइप देखे थे, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या देखा, डिफरेंशियल कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर कैसा होता है, उसमें क्या होता है, दोनों फील्ड बाइंडिंग में जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है फाई वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे थे, डिफरेंशियल कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। अब क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर के दो टाइप हैं इसलिए वो भी देख लेते हैं। तो दो टाइप्स हमने पहले देखा, एक शॉर्ट शंट जिसमें हमारी शंट बाइंडिंग क्या थी, केवल आर्मेचर के शंट में कनेक्ट थी, ना कि वो हमारे किसके सीरीज फील्ड बाइंडिंग के शंट में, मतलब केवल आर्मेचर के शंट में कनेक्ट थी सीरीज फील्ड बाइंडिंग के लिए, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे थे, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। ठीक है बच्चों, और दोनों फील्ड बाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट। ठीक है बच्चों, अगला टाइप हमने क्या देखा था, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। बच्चों डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर में हमने क्या देखा था, कि जो हमारी
शंट फील्ड वाइंडिंग थी वो हमारे आर्मेचर के साथ साथ हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के भी शंट में थी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। और इन दोनों फील्ड वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन कैसी रही थी, अपोजिट, जिसकी वजह से फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन भी कैसी थी, अपोजिट, जिसकी वजह से ये डिफरेंशियल कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर कहला रहा था। ठीक है बच्चों, अगला टाइप हमने कौन सा देखा था, कम्युलेटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। तो कम्युनिटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर बच्चों मैंने बताया कि डिफरेंशियल में जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स था वो बच्चों कम था, जिस वजह से हमने कम्युनिटिव कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर बनाया, क्योंकि इसमें जो हमारे दोनों फील्ड के फ्लक्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, जिससे हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स ज़्यादा होता है। मतलब जो हमारा जो फील्ड फ्लक्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और जो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाता है, फाई एसी प्लस फाई एसी। ठीक है बच्चों, इसके भी हमने दो टाइप कौन कौन से देखे थे, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट में क्या था, हमारी शंट वाइंडिंग क्या थी, सीरीज वाइंडिंग के शंट में नहीं थी, केवल आर्मेचर की शंट में थी, इसलिए हम इसको बोल रहे थे शॉर्ट शंट। ठीक है बच्चों, और दोनों में डायरेक्शन कैसी थी, सेम थी, इसलिए फाई बराबर फाई एस एस प्लस फाई एस ई आ रहा था। ठीक है बच्चों, हमने अगला टाइप कौन सा देखा था, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर। तो इसमें भी देखा था बच्चों हमने क्या, कि जो हमारी शंट वाइंडिंग थी वो हमारे आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों की शंट में थी, इसलिए हम कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर बोल रहे थे इसको। और दोनों फील्ड वाइंडिंग में जो करंट की डायरेक्शन थी, देखिए सेम जा रही थी, इस वजह से हमारा क्या हो रहा था, फ्लक्स की डायरेक्शन भी सेम थी, और हम इस वजह से क्या लिख रहे थे, फाई बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो फिर भी समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।